इस साल गणेश उत्सव धूमधाम से तो नहीं मनाया जाएगा। गणपति त्योहार के लिए इकट्ठा किए पैसों से कोविड-19 का आइसोलेशन सेंटर बना दिया है। कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया यह आइसोलेशन सेंटर किसी अस्पताल में नहीं है, बल्कि औरंगाबाद की एक रेसिडेंशियल सोसाइटी में है। ब्लू बेल्ट सोसाइटी के लोगों ने गणपति त्योहार के लिए इकट्ठा किए पैसों से कोविड-19 का आइसोलेशन सेंटर बना दिया है, ताकि अस्पतालों पर बोझ कम हो सके। ब्लू बेल्ट सोसाइटी हर साल गणपति उत्सव के लिए करीब 5 से 6 लाख रुपए इकट्ठा करती है। इस साल गणेश उत्सव धूमधाम से तो नहीं मनाया जाएगा, इसलिए यहाँ के लोगों ने उस पैसों से आइसोलेशन सेंटर बना दिया है। इस आइसोलेशन सेंटर को चलाने की जिम्मेदारी भी सोसाइटी के लोगों ने ही ली है, और साथ ही डॉक्टर भी हर समय इस आइसोलेशन सेंटर में मौजूद रहेंगे। इस दौरान नगर निगम ने भी इस सोसाइटी की तारीफ की है। मेडिसिन, उसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर, ये तो है ही हमारे पास, लेकिन ट्रांजिट टाइम के लिए कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की सुविधा, उसके साथ ऑक्सीजन सपोर्ट इत्यादि सुविधाएं भी हमने अवेलेबल कराई है। और ये जो कॉलोनी का नया उपक्रम हमने चालू किया है आइसोलेशन वार्ड का, तो जो भी पेशेंट्स एडमिट होंगे वो कॉलोनी के कॉलोनी में रहेंगे और उनकी फैमिली का सपोर्ट उनको यही मिलेगा। ये पहल जो है अच्छी है, क्योंकि लोगों को भी क्वारंटाइन सेंटर में महापालिके के पास आना है तो उनको थोड़ा सा मन में ये होता है कि हम घर पर रहते हैं। इस तरीके से बनाए तो सोसाइटी के लोगों को उनका घर जैसा फील आएगा, और जो एक हमको कहीं लेके जा रहे हैं, रख रहे हैं, जो अलग फील आता है वो फील नहीं आएगा, वो खुश रहेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।